नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मिशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आइए अपने कैलकुलेशन के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपके बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट और बहुत फास्ट स्क्वायर निकालने का तरीका बताएंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे बिना पेन और पेपर के, फास्ट 2 से 3 सेकेंड में। देखिए, ये जो वैल्यू मैं लिखा हूँ, हालांकि लागू तो सब जगह हो जाएगा, लेकिन हम ये जितने भी लिखा है 101, 103, ये सारी बेस वैल्यू 100 मान के करेंगे। बेस वैल्यू क्या मान के करेंगे? 100। यानी जो संख्या है 100 के आसपास, 100 से 10 20 नंबर ज्यादा हो या 10 25 नंबर कम हो तो सब जगह लगेगा। हालांकि तरीका सब जगह लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन काफी जगह कैलकुलेशन क्रिटिकल हो जाएगी। हम बेस वैल्यू 100 को मानेंगे, 100 से 10 20 25 नंबर ज्यादा है या 100 से 10 20 25 नंबर कम है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एक बात, दूसरी बात यार, एक बात सबको आनी चाहिए कि कम से कम 1 से लेकर 20 25 तक स्क्वायर रटा होना चाहिए, तो चीजें बहुत और बेहतर हो जाती है। ठीक, तो आइए समझते हैं। बेस वैल्यू हम क्या मान के हल करेंगे? 100। 100 से या तो 10 20 25 नंबर आगे चले या 10 20 25 नंबर पीछे चले, ये हर जगह ट्रिक अप्लाई होगी। समझिए, जैसे हमने लिख रखा है ये सारे क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने कहा कि इन सबका स्क्वायर निकालना है। तो देखिए यहां क्या है, 101, 101 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 108 का, 98 का, 92 का, 78, ऐसे मैंने लिखा है। आप अपने से क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक, समझिए, 101 का हम किसको मानकर करेंगे? 100। तो आप बताइए 101 100 से कितना ज्यादा है? तो एक ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर कितना होगा? 1। लेकिन हमेशा याद रखिए, सिंगल डिजिट में नहीं रखेंगे, हमेशा 2 डिजिट में। 1 का स्क्वायर 1, तो इसको लिखिए 01। यानी सिंगल डिजिट नहीं रखेंगे, हमेशा कितना रखेंगे? 2 डिजिट। बात क्लियर हो रहा? अगर 2 डिजिट से ज्यादा आ जाएगा तो जो ज्यादा आएगा उसको हासिल कर लेंगे, आगे भी समझ आ जाएगा। तो 101 का स्क्वायर, तो 101 100 से कितना ज्यादा है? 1। तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 यानी 01। 101 में जितना 100 से ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है? 101। तो उसी 101 में 1 जोड़ दीजिए तो 100 कितना हो जाएगा? 2। तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? यानी 101 का स्क्वायर होगा 101020। यहां देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो 9 का मतलब 03। आप बताइए 103 100 से कितना ज्यादा है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 09 लिखेंगे, क्योंकि 9 सिंगल डिजिट है, हमें 2 डिजिट लिखना है, 09। अब 103 में 100 से जितना ज्यादा है, तो 103 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 103 वही 3 जोड़ दीजिए तो 104 आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं बात? 108, 108 100 से कितना ज्यादा है? 8। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट है। अब 108 में 8 जोड़ दीजिए, यानी 108 में 100 से जितना ज्यादा है वही जोड़ दीजिए, 108 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 116। आंसर कितना होगा? 116। सेम यहां अगर आप देखिए 110, 110 100 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अगर 10 का स्क्वायर 100 होगा तो ध्यान दीजिए, 10 का स्क्वायर 100, तो आप 00 लिखेंगे, एक बच गया, एक हासिल काम आ जाएगा। तो 110, 110 100 से कितना ज्यादा है? 10। जितना ज्यादा है वही 110 में जोड़े, 110 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 120 और हासिल है तो 121। आप समझ रहे मेरी बात को? 114, 114 बताए 100 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा? 169। तो सॉरी, 14 का स्क्वायर 196, 196 होगा तो सिर्फ आप कितना लिखेंगे? 96। भाई देखिए, 14 का स्क्वायर 196, सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, 96, जो एक बच गया हासिल का काम करेगा। 114 100 से कितना ज्यादा है? 14। जितना ज्यादा है वही 114 में जोड़िए, 114 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 128 और हासिल है तो 100 कितना हो जाएगा? 29। आप समझ रहे मेरी बात को? यहां देखिए 116 100 से कितना ज्यादा है? 16। जितना ज्यादा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 में सिर्फ 56 लिखेंगे और जो यह 2 बचा, जो यह 2 बचा है किसका काम करेगा? हासिल का। तो 116 100 से कितना ज्यादा है? 16। तो 16 ज्यादा, तो वही 16 116 में जुड़ी है तो 132 और 2 हासिल, 134। समझ रहे मेरी बात को? 118, 118 100 से कितना ज्यादा? 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे तो 24 लिखेंगे, 3 हासिल का काम करेगा, तो 118 में 18 जोड़ दीजिए। जब 118 में 18 जोड़ेंगे तो 136 हासिल, फिर कितना हो जाएगा? 139। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं क्या? कहने का मतलब कि 100 से जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर निकाल लीजिए और 2 डिजिट में लिख लीजिए, जो बच जाएगा वो हासिल कर लेंगे। और फिर उसी नंबर में, जैसे 118 तो 118 100 से कितना ज्यादा है? 18। तो वही 18 फिर 118 में क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्लियर हुआ? ऐसे कोई नंबर होगा 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कुछ भी होगा, 123 का निकाल लीजिए, अपने से करिएगा। यहां देखिए
ये जितने नंबर थे ये सब 100 से ज्यादा थे। अब बात करते हैं जो 100 से कम, ये क्या है 98 का स्क्वायर। तो अब 100 के आसपास है तो बताइए कि 98 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 2 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखेंगे तो 04। आप समझ रहे हैं मेरी बात को भाई, 98 का स्क्वायर निकालना है तो 98 100 से कितना कम है 2, जितना कम है उसी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 04। अब बताइए 98 100 से कितना कम है 2, जितना कम है वही 98 में से घटा, 98 में से 2 घट जाएगा कितना जाएगा 96, आंसर आ गया 96। यहां देखिए 96 है तो बताइए 96 100 से कितना कम है 4, तो 4 का जितना कम है उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में लिखेंगे। अब फिर 96 से, 96 से कितना कम है 100 से 4, तो 96 से 4 घट गया तो कितना जाएगा 92, आंसर कितना आ गया 92। 92 तो 92 बताइए 100 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, फिर 92 में से वही 8 घटा दीजिए तो आ जाएगा 92 से अगर 8 घटेगा तो आ जाएगा 86, 4 2 6 आ जाएगा 84, कितना जाएगा 84, 84। आप समझ रहे बात को, क्लियर हो रहा है। अब यहां देखिए 87 का स्क्वायर निकालना है तो 87 बताए 100 से कितना कम है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई सर 169, तो 2 डिजिट लिखेंगे 69, एक हासिल का काम करेगा 87, 87 बताइए 100 से कितना कम है 13, 87 से 13 घटा दीजिए, 87 से 13 घटाएंगे तो भाई साहब आएगा 87 से अगर 13 घटेगा तो 7 74 और एक हासिल कितना 75, तो आंसर कितना 75 69। 83 का होल स्क्वायर, 83 बताइए 100 से कितना कम है 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200, जितना कम है तो 289, सिर्फ यहां लिखेंगे आप 89, जो 2 बच गया हासिल का काम करेगा। और 83 से 17 घटा दीजिए क्योंकि 83 100 से 17 कम है, तो 83 से 17 घटा दीजिए तो 83 से 17 घटाएंगे तो आएगा 66 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 68। समझ पा रहे बात को भाई, यहां देखिए 78 बताइए 100 से कितना कम है 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 2 अंक लिखेंगे 84। अब जो 4 बच गया हासिल का काम करेगा, 78 से 22 घटाए, 22 क्यों घटाएं क्योंकि 78 100 से 22 कम है, 22 अगर यहां से घटाएंगे तो आ जाएगा यहां पर 6 और यहां से आ जाएगा 5, 56 आ जाएगा और हासिल 4 कितना हो जाएगा 60, तो आंसर कितना 60 और 84। ऐसे अगर मान लीजिए होता है यहाँ पर 77 81 82 83 84, यानी 100 को बेस वैल्यू मानकर करिए, यानी 100 से जितना नंबर ज्यादा होगा उसका स्क्वायर लिखेंगे और फिर 100 से जितना ज्यादा है वो दी गई नंबर में जोड़ देंगे। अगर कम वाली बात होगी तो 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर लिखेंगे और जितना कम है वो 100 में से जो नंबर दी गई उसमें क्या करेंगे लेस कर देंगे। आंसर आज बस ये लिखिए, अगर कभी जैसे 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है तो 2 डिजिट लिखेंगे 04, 3 डिजिट कभी नहीं लिखेंगे, अगर 3 डिजिट से बाद जैसे 3 डिजिट आ गया तो 2 डिजिट लिखेंगे, जो तीसरा डिजिट होगा वो किसके काम आएगा हासिल का। क्लियर है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट इसका अगला पार्ट कल के डेट में, तो आपके थैंक यू सो मच।